또. What's up beautiful people, की हाल चाल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो आज हम निकल पड़े हैं सेकेंड डे के लिए एंड आई होप कि मेरी टी शर्ट अच्छी लग रही होगी, राइट? तो आई होप बहुत बढ़िया लग रही है। तो एक बार टी शर्ट का पीछे से व्यू दिखाता हूँ। टी शर्ट लग रही है बढ़िया, बाइक खड़ी है अंदर सेफली। तो फटाफट बाइक को पहले निकालते हैं बाहर, पैकिंग करते हैं, फिर देखते हैं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, होटल भी हमें बहुत बढ़िया मिल गया था, सस्ता टिकाऊ कन्वीनियंट लाइफ होम स्टे। तो ये चढ़ाई आ रही है। सो अभी हम लोग ऋषिकेश से निकल चुके हैं। प्रिया की सुई पूरे रास्ते एक ही चीज़ पे अड़ी हुई है, हॉट एयर बैलून, हॉट एयर बैलून। तो आई जस्ट प्रे कि हॉट एयर बैलून मिल जाए, अगर नहीं मिला तो प्रिया ने मुझे छोड़ना नहीं है, पूरे रास्ते सुना सुना के ताने मारने इसने मुझे। सो लेट्स सी, मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हुआ पड़ा है, सुबह हल्की सी बारिश हुई थी, ड्रिजलिंग हुई थी हल्की सी, तो मज़ा आ गया। मौसम नींद नहीं खुली क्योंकि नींद बहुत चढ़ी हुई थी। कल के दिन हमने चलाई है 330 किलोमीटर्स कल के दिन में चली थी, क्योंकि जब मैं दिल्ली से निकला था, अगर मैंने इंस्टाग्राम की एक स्टोरी डाली थी कि जब 1587 किलोमीटर हुए थे। सो आपको क्या करना है, फटाफट से जाओ, नीचे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, मुझे वहाँ जाके फॉलो करो और आगे की अपडेट देखो। तो चलो चलते हैं अभी हम तपोवन देहरादून। देहरादून से होते हुए जाएंगे, बेसिकली मसूरी जाने के लिए दो रास्ते पड़ते हैं, एक जाता है देहरादून से और एक जाता है हमारा चंबा से। चंबा ये वो वाला चंबा नहीं है जो हिमाचल वाला है, यहाँ का यहाँ पे भी एक चंबा नाम से जगह है। दो रास्ते पड़ते हैं, बट उन्होंने बताया कि चंबा वाला रास्ता जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, इतना बढ़िया नहीं बना हुआ, बट देहरादून वाला रूट जो है वो बहुत अच्छा बना हुआ है, साफ सुथरा है। सो वी डिसाइडेड कि वहाँ जाने से अच्छा मिट्टी के अंदर क्या करेंगे हम, इट्स बेटर कि हम इधर देहरादून के रूट से जाते हैं। सो चलो एंजॉय करवाते हैं आपको बढ़िया बढ़िया से क्लिप्स और मिलते हैं। अभी ये बहुत ज़बरदस्त सर रोड है, तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये रोड पूरी मक्खन रोड है और आसपास पूरा जंगल है। तो चलो एंजॉय करो विद सम म्यूजिक। तो अगर आप मसूरी आए हो तो आपको 12 रुपए की टिकट कटवानी पड़ती है, बेसिकली एंट्री टिकट फॉर टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर की मुझे नहीं पता, पहले जब मैं आया था तब 20 रुपए की थी, काफ़ी पहले की बात बता रहा हूँ। और यहाँ पे अभी गया हार्ले डेविडसन का ग्रुप, मज़ा आ गया देख के, बहुत बढ़िया लग रहा था। सो अभी मसूरी में एंट्री हो चुकी है, एक दो फॉल निकले हैं, तो बट मसूरी फेमस ही फॉल्स के लिए है अपने। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कौन कौन से हमें वाटरफॉल दिखते हैं। और आज ही हम जाएंगे केम्प्टी फॉल,
कैंपटी फॉल से होते हुए हम जाएंगे धनौल्टी। यहाँ पे अभी अपने बहुत बढ़िया बढ़िया मूवमेंट कैप्चर करी हैं। सो यहाँ से कैप्चर करने के बाद अब हम निकल रहे हैं आगे, तो चलो देखते हैं। गौ माता, ओ वाओ, ये तो उससे भी बढ़िया है। सो ये भी उससे भी बढ़िया है। सो अभी मसूरी हमारा रह गया है 19 किलोमीटर्स। 19 किलोमीटर्स के बाद हम रुकते हैं, देन हमने आगे जाना है धनौल्टी। टाइम हो रहा है दोपहर के 1 बज रहा है, तो चलो देखते हैं आगे आगे। सो गाइस आगे का व्यू देखो यार, क्या मस्त व्यू है। यहाँ पे मैं अभी नोटिस कर रहा था तो बिल्कुल कोहरा है इस टाइम पे। ऊपर देखो तो बहुत ज़्यादा हाइट है, मज़ेदार जगह है। Have a look. और मेरी बाइक 5 किलोमीटर हो गया वो चली जा रही है, मेरी बाइक बंद है कितनी देर से। कर रहा था वो है ये। इस बार यहाँ पे हमने होटल नहीं लिया, रिसोर्ट लिया है, जबरदस्त है। बाकी जो अपडेट है वो इस पे कल दूंगा, बट एक सडन एक बहुत प्यारा व्यू मेरे सामने आ रहा था, सो आपके साथ शेयर करना चाहता था। हैव अ लुक। ये बेसिकली यहाँ पे एक पहाड़ी है, ये पहाड़ी के ऊपर अलग अलग फ्लोर्स हैं। ये यहाँ का लॉन्ज है जहाँ पे हम बैठ के अपना लंच कर सकते हैं। बेसिकली सामने बिल्कुल पहाड़ हैं और फॉर अ सडन एकदम से ये देखते देखते ही पूरा ये बादलों से ढक गया। सो बहुत बढ़िया था। बाकी इसके बारे में आपको कल मैं बाकी और अपडेट दूंगा। अभी फ्रेश होके भूख लगी है, कुछ खाने जाएंगे। चल आज का डे हो गया एंड। अभी हम लोग करके आ रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग। अगर बीवी साथ में हो तो शॉपिंग कैसे छूट सकती है, नहीं छूट सकती, तो ये तो होना ही था। अब यार यहाँ से कौन खरीद, क्या खरीदेंगे यार, लेकिन फिर भी यहाँ पे शॉपिंग करनी है। आगे अंधेरा है इसलिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। तो कल हम निकल रहे हैं वापस दिल्ली की तरफ, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय, दिस इज गुरप्रीत साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। Bye.